अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, a की पावर 1/3 11 के इक्वल है, तो a स्क्वायर माइनस 331 a का मान कितना होगा? चार ऑप्शन आपके पास है, तो देखिए आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि a की पावर 1/3 11 के इक्वल है, तो आप पहले यहां से a निकालिए, अगर दोनों तरफ आप क्यूब कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ आप क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा a की पावर 1/3 * 3 और यहां हो जाएगा 11 का क्यूब। मैंने आपको बोला था कि अगर आप 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद करते हैं और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करते हैं तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है और क्वेश्चन भी बहुत आपके जल्दी हो जाएंगे। तो अगर मैं मानूं कि आपने 11 तक के क्यूब मतलब 20 तक के क्यूब याद किए हैं तो आपको 11 का क्यूब पता होगा कितना आएगा, तो ये निकल के आएगा 1331 और यहाँ पे जो a की पावर 1/3 * 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि a की पावर 1 जो कि a के इक्वल होता है, तो ये हो गया 1331। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास है a स्क्वायर माइनस 331 है, तो यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा a माइनस 331, तो a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1331, और यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए 1331 माइनस 331, तो 1331 बाहर तो ऐसी रहेगा और 1331 में से जब आप 331 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट 1000, तो 1000 को आप 1331 से जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1331 और उसके पीछे 30। तो देख लीजिए ये ऑप्शन आपका मतलब ये आंसर आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये आंसर आपका ऑप्शन बी में यहाँ पे मैच कर रहा है और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो आई होप इस तरह से आप इस अप्रोच के साथ ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस अगर आप यहां पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहां पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। हर एक टीचर ने वहां पे अपने इंडिविजुअल डेमो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये डेमो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो देखिए आज हम यहां पे बात कर रहे हैं संख्यात्मक योग्यता, जो कि आपका मैथ्स वाला पोर्शन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो ये पूरा खेल अब आप खुद नोटिस करो कि 3 की पावर 21 को आप कहाँ सॉल्व करोगे, कितना बड़ी वैल्यू ये आएगी, फिर 5 से डिवाइड करके देखोगे तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और ये करना भी क्या है, इम्पॉसिबल है। हालांकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप इसको 3 की पावर 21 को लिख के सॉल्व करते रहोगे, तो ये क्या होगा, इसके लिए आपको शॉर्टकट मारना पड़ेगा। और शॉर्टकट कैसे मारेंगे आप यहाँ पे यूनिट प्लेस का सहारा लेंगे। यूनिट प्लेस का मतलब है इकाई पे कौन सा अंक आ रहा है, अगर आपको पता लग जाए इकाई पे कौन सा अंक आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को करना इम्पॉसिबल तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिस टाइम पीरियड में आपको ये क्वेश्चन करना है उस टाइम पीरियड में तो ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो ही जाएगा, करेक्ट। तो देखो क्या करोगे आप, अगर आपको पता लग जाए कि 3 के केस में पावर्स जितनी भी आए उस केस में क्या क्या यूनिट प्लेस पे नंबर आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखो अगर 3 की पावर 1 होगा तो 3 आएगा, यूनिट प्लेस पे 3 आ रहे हैं। 3 की पावर 2 होगा तो 9 आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। 3 की पावर 3 होगा तो कितना आएगा, 3 * 9 = 27, तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। हम यूनिट प्लेस की बात करें, ध्यान रखना, 3 की पावर 4 करोगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 3 * 9 = 27, 27 * 81 यानी 1 आ रहे हैं। अगर 3 की पावर 5 करोगे तो यहाँ पे 81 को 3 से गुणा करोगे तो 3 * 3 = 24, 243 यूनिट प्लेस पे 3 आ रहे हैं। तो देखो 3 फिर से रिपीट हो गया, तब रिपीट हुआ 5वीं पावर से रिपीट हुआ। अगला करोगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 * 3 = 9, फिर 9 आएगा, फिर लास्ट में यूनिट प्लेस है उसको 3 से गुणा करोगे, 9 * 3 = 27, फिर 7 आएगा, फिर पहले 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 7 और 1, और इस तरह से ये डिजिट रिपीट होती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर 3 की पावर 4n है तो आपको हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे, 3 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 4 पे यूनिट प्लेस कितना मिल रहा है, यानी इकाई पे कौन सा एक मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कुछ इस तरह से ही ब्रेक करें, करेक्ट। और 3 की पावर मान लो आपको 4n + 1 मिले, 4n + 1 मिले, 4n + 2 मिले, 4n + 3 मिले, 4n + 4 तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो वापस से क्या आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, तो वो आप मतलब देखो 3 की पावर 4n + 4 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो वापस से इसी में काउंट हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो n की जगह 4 रख दो, 4 * 16, अब 16 + 4 है
तो 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये तो 20 तो 4 का ही मल्टीपल है ना, 3 की पावर 4 इंटू 5। तो आपको जो यहाँ पे पॉसिबल केसेस मिलेंगे, या तो 3 की पावर 4 n मिलेगा, या 4 n प्लस 1, या 4 n प्लस 2, या फिर 4 n प्लस 3। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, भी अगर ये चीज़ आपको पता होती तो सेकंडों में क्वेश्चन हो जाता। तो देखो अब क्या करो, आप इसको ब्रेक कर लो। तो 3 की पावर 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 पंजे 20 और 1 छूट गया, करेक्ट। तो यहाँ देखो 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो क्या करो, ये तो आपको समझ में आ गया, तो 3 की पावर 4 इंटू 5 है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, सॉरी इस केस में आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलने वाला है, 1, और 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 3, अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो ये मैंने निकाला यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस में मेरे को 3 मिल रहा है, और डिवाइड किससे कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो, करेक्ट। डिवाइड किससे कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपको रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, 3 आपको रिमाइंडर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 3 रिमाइंडर मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, 423 है, इसे आप 5 से डिवाइड करो, 5 अट्टा 40, कितना बचा, 2, 23 हो गया, 5 चक्को 20, करेक्ट, 5 चक्को 20। लास्ट में अगर मान लो यहाँ पे खाली कितना होता, जैसे मान लो 420 ही होता, यहाँ पे सिर्फ 420 होता, तो 84 टाइम्स पूरा 5 से डिवाइड हो गया था, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है रिमाइंडर 3, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना है, 3 है। आप बात समझ रहे हैं, तो इस केस में जब आपके पास यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, मैंने पूरा नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है, 3 की पावर 21 को सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, उस बड़े नंबर से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, बट मुझे यूनिट प्लेस को देखना है। तो यूनिट प्लेस पे 3 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। आप बात समझ रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए अगर यहाँ पे 427 होता और आप 5 से डिवाइड कर रहे होते, तो रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। कैसे बचता, क्योंकि अभी देखो बताता हूँ, 5 अट्टा 40, 2 बचा 27 हो गया, 5 पंजे 25, 5 पच्चे 25, ठीक है। अगर यहाँ पे 425 होता तो पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाता, क्योंकि लास्ट में अगर 0 हो और 5 हो तो 5 से भागा चला जाता है आराम से, बट यहाँ पे 27 है, अगर 5 होता तो आपका पूरा पूरा डिवाइड चला गया होता। अब रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। आप समझ रहे किस तरह से, किस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बस यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना बचेगा, 3। अब 3 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, यानी 3 आपका क्या बचेगा यहाँ पे, शेषफल बचेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 का वर्गमूल कितना होगा। ये सारे जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। वर्गमूल तो बात की बात है, पहले आप इसको रेशनलाइज कीजिए। तो जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आने वाला है, रूट 3 प्लस 2। रेशनलाइज करते कैसे, जो आपको नीचे यहां पे हर में रूट 3 माइनस 2 दिख रहा है, इसके अपोजिट साइन के साथ, अपोजिट मतलब जो रूट 3 माइनस रूट 2 है ना, तो यहां माइनस है, तो यहां पे प्लस साइन लेके, बीच में प्लस साइन लेके आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो रूट 3 प्लस 2 और रूट 3 प्लस 2 ऊपर और नीचे दोनों, इसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है, अगर नीचे प्लस होता तो ऊपर नीचे साइन क्या होता, नेगेटिव होता, बाकी दोनों ही डिजिट सेम होती विद रूट, राइट। अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 प्लस रूट 2 और यहां भी रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का ऊपर होल स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा आपका, नीचे देखो रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2। अब ये समझिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, तो आप इसको जब लगाओगे यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो ए की जगह रूट 3 और बी की जगह कितना है, रूट 2 है। मैंने ए प्लस बी पहले लिखा है, आप ए प्लस बी बाद में लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बात एक ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो सॉल्व करेंगे इतना आएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये कितना आ गया आपका, 1। नीचे आपका 3 माइनस 2 1 हो गया, सिर्फ ये बचा, और जो बचा है उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको अंडर रूट निकालना है, यानी अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2। तो कौन सा आंसर सही है आपका, रूट 3 प्लस रूट 2, जो कि ऑप्शन ए में। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इस रूट का एक बार मतलब भी समझ लो, जैसे मान लो अंदर ए स्क्वायर ऊपर रूट लगा है, तो रूट का मतलब ये हो गया ए स्क्वायर की पावर 1 बाई 2।
अगर ये क्यूब रूट होता यानी घनमूल निकालना होता तो ये पावर हो जाती 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये होल पावर कितनी होती 1/4 हो जाती। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, a बचेगा, यानी ये इसका स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं इसके स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि रूट है ऊपर से, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा √3 + √2। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे। इतना पहले इसको सॉल्व करके माइनस करेंगे फिर नीचे इसको सॉल्व करेंगे, इतने में तो आपको मिनटों लग जाएंगे, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो क्या करोगे आप, इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, ये 3.2 का क्यूब है और ये 0.008 है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 0.2 का क्यूब बनेगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.2 का क्यूब यानी 0.2 × 0.2 × 0.2। तो सॉल्व करेंगे और बिल्कुल दशमलव का सही से ध्यान रख के अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.008 और नीचे क्या है आपका 3.2 का स्क्वायर फिर 0.64 फिर प्लस 0.04। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मेट ऊपर बन रहा है, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हैं, इसके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नोटिस कीजिए, अब नीचे जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो नीचे आपको फॉर्मेट दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये जो ऊपर है चीज इसको मैंने ये लिख दिया और नीचे वाला फॉर्मेट कुछ इसी चीज में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बताता हूँ। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा बनेगा आपका, देखो इसको इससे कनेक्ट मत करो अभी, इसको देखो ये 3.2 है, ये 3.2 माइनस कितना बनेगा 0.2, ए माइनस बी फॉर्मूला ए का स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर राइट, उसके बाद 3.2 × 0.2 ए स्क्वायर प्लस ए बी, 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 × 64 और दशमलव को सही से लगाओगे तो कितना हो जाएगा 0.64 प्लस, अब क्या है बी का स्क्वायर, तो देखो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 0.04, तो कितना आ जाएगा 0.04। देखो फॉर्मेट बना जब आपने इसका फॉर्मूला खोला, और नीचे क्या है देखो, नीचे आपका सेम है 3.2 का स्क्वायर प्लस 0.64, उसके बाद अच्छा ब्रैकेट मत लगाओ कोई बात नहीं, फिर 0.04 राइट। तो ये पूरा आपका क्या हो रहा है कट रहा है, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, तो ये पूरा पोर्शन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, नीचे भी सॉल्व करेंगे वही सेम वैल्यू आएगी, तो वो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्लस में भी ऐसे काट देते हैं, आप ये सोचो ना ये पूरा सॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर, मान लो इसको सॉल्व करके 100 आ गया, नीचे भी इसको सॉल्व करोगे 100 आ गया, तो मान लो यहाँ पे a इंटू 100 अपॉन नीचे 100 है तो 100 से 100 कैंसिल होके कट जाएगा ना, इंटू में तो चीजें कट जाती हैं, तो इसको सॉल्व करोगे पर्टिकुलर कोई वैल्यू आएगी, इसको भी सॉल्व करोगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम होंगी कट गए, तो ऊपर बचा कितना 3.2 माइनस 0.2, तो 3.2 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी। तो अगर लोग कुछ लोग यहाँ पे तुक्का लगाने की सोच रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि ऊपर भी दशमलव में है नीचे भी दशमलव में है, सॉल्व करेंगे क्या पता आंसर दशमलव में आए और यहाँ पे जीरो आपको लगेगा शायद ना हो, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन टिक मारेंगे तो आपका गलत ही होना है। तो अगर प्रॉपर फॉर्मूले के फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे 3 मिलेगा और ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विद्याशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको और भी टीचर्स के डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।